हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगरा में उठी मांग, हनुमान जी अगर दलित थे तो उनके मंदिरों की व्यवस्था भी संभाले दलित। राजस्थान में एक चुनावी सभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के बजरंग बली हनुमान को दलित बताने के बाद अब इस विषय पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं से इतर भगवान के नाम पर राजनीति हो रही है। भगवान शिव और राम के बाद अब राजनीति के बिसात पर मोहरा बने हैं हनुमान जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्थान में चुनावी रैली में हनुमान जी पर बयान इन दोनों विवादों में है। आगरा के लंगड़े की चौकी स्थित हनुमान मंदिर पर कांग्रेस नेता अमित शाह के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर योगी के बयान का विरोध जताया। साथ ही सभी को जनेऊ धारण कराया गया। संकल्प लिया गया कि देश में जितने भी हनुमान जी के मंदिर है उनका रख रखाव पूजा करने वाला अनुसूचित जाति का ही होगा। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचकर अनुसूचित जाति के लोगों को जनेऊ धारण कराया। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया और दलित देवता हनुमान की जय के नारे लगा। ये कार्यक्रम करीब आधे घंटे तक चला। कार्यक्रम में महिलाएं भी शामिल रही। कांग्रेस नेता अमित सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि हनुमान जी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण में हनुमान जी की जाति के बारे में जब बताया तब पता चला कि अनुसूचितों के भगवान अलग है और उनके देश भर में मंदिर भी है, लिहाजा अब देश भर के हनुमान मंदिरों की व्यवस्था एवं पूजा पाठ का कार्य अनुसूचितों को सौंपा जाना चाहिए। ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा ने यह भी कहा कि हनुमान जी दलित थे तो उनके मंदिरों की जिम्मेदारी भी हमारी है। यहाँ पर इस दौरान एक प्राचीन हनुमान मंदिर पर दलितों ने कब्जा कर लिया और वहां पर दिन में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहां पर काफी देर पूजा पाठ के बाद चेतावनी दी गई कि अब जब ये साफ हो गया है कि हनुमान जी दलित थे तो उनके मंदिरों की जिम्मेदारी हमारी है। नंदलाल भारती का कहना है कि हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि हनुमान जी हमारे समाज के हैं। अब हम जल्द ही सभी हनुमान मंदिरों का कब्जा लेंगे। हनुमान जी के हर मंदिर को अब हम ही संभालेंगे। मंदिरों पर आने वाले दान और चढ़ावे को भी दलितों के उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा। ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा ने इस प्रकरण में सीएम योगी को नोटिस भेजने का भी मन बना लिया है। ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा ने कहा कि हनुमान जी वानर थे और दलितों की तुलना हनुमान जी से की जा रही है, ये तो दलितों का अपमान है, इसके लिए हम कानून का सहारा लेंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।